तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आपका एडवांस पेस्ट स्पेशल। सबसे पहले छोटा सा डेटा हम बनाते हैं। हम जब भी एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा ही डेटा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को उसका इफेक्ट समझ में आए। हेलो, कंप्यूटर ऑडियो सेलेक्ट कीजिए वॉइस में। हेलो, क्या फोन में जा रहा है? नेटवर्क चला गया। ओके, नहीं कुछ नहीं। अरे राज जी है ना, उन्होंने कंप्यूटर ऑडियो सेलेक्ट किया नहीं है, दिक्कत हो रही है उनको। हाँ राज जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके, हाँ नाम डालिए। इसे अरे सर जी, राज जी कुछ भी डाल दीजिए, शादी के कार्ड थोड़ी छप रही है, पूरा नाम गोत्र के साथ लिखोगे। तेज कर लीजिए, आवाज कम आ रही है। तो हो सकता है कि मैं हेडफोन यूज किया आपने। हो सकता है मैंने अभी लंच नहीं किया इसलिए कम आवाज आ रही हो। ओके, चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं आज पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है क्योंकि जनरली हम अपने ऑफिस में कॉपी पेस्ट तो न जाने कितनी बार करते, कभी काउंट भी नहीं किया होगा कि कॉपी पेस्ट कितना बार आप करते हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हर तीसरा एक्शन आपका कॉपी पेस्ट होता होगा। तो कॉपी पेस्ट करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ पेस्ट स्पेशल। तो एडवांस एक्सेल की पहली टॉपिक एडवांस पेस्ट स्पेशल। तो नॉर्मली जब हम कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, तो जैसा डेटा होता है टिट्टू आया यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर मुझे पूरा का पूरा डेटा पेस्ट ना करना हो, इसमें कुछ चीज़ें पेस्ट करनी है, तो उस केस में हम यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल, तो पेस्ट स्पेशल में जब राइट क्लिक करके हम पेस्ट स्पेशल करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसकी सबसे पहले ऑल, जिस कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते थे वो हो गया आपको, या फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करता है, या आपको पेस्ट स्पेशल में वैल्यू, फॉर्मूला की जगह पे वैल्यू पेस्ट करता है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। डिफरेंस है यहाँ कि यहाँ पे आपका रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है, क्योंकि पेस्ट एज ए फॉर्मूला हमने किया और यहाँ पे आपका नॉर्मल जब टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है। तो पेस्ट एज ए फॉर्मूला क्या करता है कि फॉर्मूला बार के डेटा को कॉपी करता है और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता है। तो पेस्ट एज ए फॉर्मूला का मतलब ये नहीं हुआ कि जिस सेल में फॉर्मूला लगा उसी को पेस्ट करेगा, मतलब कि जो फॉर्मूला बार में दिखता है उसको पेस्ट करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। पेस्ट एज वैल्यू का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी को फॉर्मूला के नहीं नॉर्मल डेटा देना हो उस समय हम पेस्ट स्पेशल करते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे इसको कॉपी कर इसको फॉर्मूला रिमूव करना है, मुझे इसकी फॉर्मूला को रिमूव करना है। इस पर कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए।
तो पेस्ट जब वैल्यू से उसी डेटा को पे कीजिएगा तो क्या होगा, उसका डेटा उसकी वैल्यू से उसकी फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगी, उसका फॉर्मूले हट जाएगा। कहीं और पेस्ट जब वैल्यू करते हैं तो आपका फॉर्मूला के अलावा फॉर्मूला नहीं उसकी वैल्यू कॉपी होकर पेस्ट होती है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ता है? आगे चल के आप एक्सेल की फॉर्मूले सीखोगे, उसमें आप अपना पूरा रिपोर्ट फॉर्मूले के जरिए एक डेटा से दूसरे डेटा को कनेक्ट करके बनाओगे। तो उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप अपना डेटा जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो किसी और फाइल से लिंक होगा। अगर रिपोर्ट किसी को मेल करते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर उसके पास उस फाइल का एक्सेस होगा, लिंक होगा, तभी तो वो कर पाएंगे। जैसे मेरे सिस्टम में मैंने फाइल वन से अपना डेटा को लिंक कर रखा है और आपको मैंने मेल किया, तो आपके पास तो फाइल वन नहीं है, तो आपके पास वो लिंक काम करेगा नहीं। इसलिए मैं पेस्ट एज ए वैल्यू करके भेजूंगा ताकि आप जो है मेरी डेटा देख सके। ठीक है, तो पेस्ट एज ए वैल्यू इस केस में करते हैं। ऐसी अगर मुझे कभी से फॉर्मेटिंग करनी हो, मैं कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करूं, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए फॉर्मेट, जस्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा। या मुझे पेस्ट एज ए क्या बोलते हैं कमेंट्स, कमेंट्स क्या होता है किसी सेल के ऊपर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी हो तो वहां पे हम कमेंट्स यूज करते हैं। जैसे कि ये मार्क्स में मुझे कुछ डालना है तो मैंने यहां पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट कमेंट, यहां पे लिख दिया कि दिस इज ए फाइनल मार्क्स। ठीक है, मेरा कर्सर जैसे इस पे जाएगा ये दिखेगा, तो मुझे कहीं पे इसकी बाकी चीजें पेश नहीं करनी, जस्ट इसकी कमेंट को पेश करना है। जैसे मैंने यहां पे करना चाहता हूँ जस्ट कमेंट, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें लिखूंगा कमेंट्स, कमेंट सेलेक्ट करके ओके किया तो आपका पेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास है ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर। सर कोई टॉपिक अगर आप लोगों को दोबारा रिपीट करना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं प्रहार, हेलो, हाँ हरा जी कुछ बोल रहे हैं आप? ओ मैं बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा था, मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना सर, अगर आपने फाइल दो, आपके पास दो, एक फाइल डेटा की फाइल, एक आपकी रिपोर्ट की फाइल है, तो होता क्या है कि अगर आपने फॉर्मूले वगैरह की मदद करके फाइल वन से आपने फाइल टू में लिंक कर दिया डेटा को, सम वी वी लुकअप चाहे एवरी कोई फॉर्मूला या पिवट वगैरह कुछ से लिंक कर दिया, अगर मैंने आपको मेल किया तो प्रॉब्लम होगा क्या कि जैसे आप फॉर्मूला को अपडेट करेंगे, रिजल्ट अपडेट करेंगे, तो आपके पास तो शो नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि आपके पास फाइल वन का एक्सेस तो नहीं, फाइल वन तो मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो आपके पास सारा वैल्यू 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 आ जाएगा या आरएफ आ जाएगा। तो आपको जो रिपोर्ट सी देनी है तो उसको हम पेस्ट जो वैल्यू पेस्ट करके वैल्यू करके फॉर्मूला रिमूव करके देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आया समझ में? ओके, डिपुल कहाँ चला गया? ओके, तो ये आपका था। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे पेस्ट करना है, इसमें बॉर्डर पेस्ट नहीं करना है। नेहा जी चीज़ें समझ में आ रही ना आपको? तो यहाँ पे होता है ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर, सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, फिर सब कुछ आया, बॉर्डर नहीं आया। क्या हुआ विपुल जी, कहाँ चले गए थे? ओके, हाँ यार लाइट की भी प्रॉब्लम हो गई है। मेरा इन्वर्टर जो है वो हो गया है, बहुत पुराना हो गया, आज कहाँ से बैकअप देता नहीं है, और मैं नया इन्वर्टर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं गांव जाने वाला हूँ, इसलिए।
आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। अब दूसरी चीज हम और बात करते हैं, वो बात करते हैं जैसे कि आपने एक रिपोर्ट आप बनाते हो, रिपोर्ट का जो कॉलम की हाइट है वो अपने हिसाब से सेट करते हो ताकि वो आपका एक पेज पे प्रिंट हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। लेकिन अगर आपने इसको कॉपी करके किसी और शीट पे गए और किसी और शीट पे आपने बड़ा करके पेस्ट कर दिया, अब उसमें कॉलम बड़ा है उसमें पेस्ट कर दिया, तो आपको कॉलम का साइज नहीं आ रहा है। जब याद रखिएगा, जब भी आप पेस्ट स्पेशल करते हो तो पेस्ट स्पेशल में जब भी पेस्ट से पेस्ट स्पेशल कोई कॉपी पेस्ट करते हो, पेस्ट स्पेशल करते हो, तो उसमें आपको जो है ना कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होती है। तो कॉलम की साइज पेस्ट करने में क्या करोगे, आप राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पे आपका आता है कॉलम विड्थ, तो वो आपकी कॉलम की साइज पेस्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि कॉलम विड्थ जो है सिर्फ कॉलम की विड्थ को पेस्ट करता है, ना कि डेटा को। डेटा पेस्ट करना है उसके बाद दोबारा इस पे पेस्ट कीजिए या फिर इसके सैम्पल यूज कीजिए। राइट क्लिक करने पे जो सैम्पल आता है ना यहाँ पे, यहाँ ना पेस्ट, ये रहा, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ये जो दो एरो के निशान समांतर रूप से बने हुए हैं उस पर क्लिक कीजिएगा तो कॉलम की साइज भी पेस्ट होगी और डेटा भी पेस्ट होगा। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ 2013 में ही है, बाकी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वही जो आप करते हैं, एक बार पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ करो, एक बार आप जो है नॉर्मल पेस्ट करो। ये बहुत जरूरी चीज़ है, क्यों, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट जब बनाते हैं ना तो रिपोर्ट्स को हम लोग अपने हिसाब से उसकी एक पेज में प्रिंट हो जाए, एक 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 ही लुक में दिखे, उसके लिए कॉलम की साइज को अपने हिसाब से सेट कर देते हैं, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमने यहां पे कॉलम विड्थ को यूज किया है। अब चलिए कॉलम विड्थ से आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है जैसे कि मेरा डेट, हमारे डेटा में डेट टाइम वगैरह होता है, हम डेट यहां पे लिखते हैं, रुकिए, ये प्रॉब्लम आप लोगों के पास हमेशा होती है। सिलेक्ट किया, अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज हम यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं, यहाँ से कर दीजिए चाहे वहाँ से कर दीजिए। जब पेस्ट इज फॉर्मूला एज आप वैल्यू करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका डेट इस तरह से नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और आपका टाइम डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो राज जी, विपुल जी, नेहा जी और अशीम जी, मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर नंबर है क्या। हाँ बोलिए राज जी। जी हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया जी, नहीं, मेल नहीं रिवर्ट होगा, जैसे रिटर्न नहीं होगा, वो आउटलुक में होता है। नहीं, सही बता रहे राज जी, आप सही बोल रहे हो। होता क्या है, जब भी हम अपनी एक्सेल के अंदर में डेट लिखते हैं ना, तो डेट को स्टोर करता है एक नंबर फॉर्मेट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक लिख दिया, मतलब कि एक जमा लिख दिया, एंटर मारते ही डेट का कन्वर्टर चलता है और इसको शो तो डेट में कर रहा है लेकिन एक्चुअल में ये जो नंबर होता है वो होता है 22005। मतलब कि जब से कंप्यूटर कैलेंडर बना है, कंप्यूटर कैलेंडर कब से बना है, 1 जैन 1900 से, और 1 तारीख तक कितने नंबर ऑफ डेज हैं, तो 42005 डेज है। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, जैसे कि आप यहां पे 1 लिखो
और इसके ऊपर आप डेट का कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर दो, तो ये 11900 बन रहा है। मैं इसी में अगर मैं 32 डालूँ तो एक 5 हो जाएगा, ये 15। ऐसे में यहाँ पे 367 डाल लिखूँ तो ये आपका हो जाएगा 11901। ऐसे में यहाँ पे 42005 लिखूँ तो ये बन जाएगा 1st January 1915। क्या है, समझ में आ गया आपको ये? अब असीम जी हो जी, सर मेरे एंड से वॉल्यूम ठीक है, अगर मेरे एंड से वॉल्यूम में प्रॉब्लम होती ना सबको प्रॉब्लम होती, ये वॉल्यूम की प्रॉब्लम आपके एंड से है। तो आप अपने अपने स्पीकर यहाँ जो है ना, ये यहाँ पे होता है उससे बढ़ाओ ना, तो हेडफोन आपका अगर सही नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेरे एंड से फुल है, ठीक है, ओके। तो असीम जी और नेहा जी, ऐसी अभी क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे प्रोग्रामर ने जिसने एक्सेल बनाया इतना झमेला क्यों किया, क्यों ना नॉर्मल 1/1/2015 ही लिखवाते, इतना कन्वर्टर क्यों चलाया? क्योंकि हम जानते हैं छोटी सी प्रोग्रामिंग करने में हालत खराब होती है, इतनी लंबी कैलकुलेशन किया उन्होंने। इसका रोल मिल इसका मिलता है जो आंसर वो मिलता है आंसर आपका इसमें स्पेशल रूल में। स्पेशल रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर के साथ कोई स्पेशल करेक्टर या फिर कोई टेक्स्ट जुड़ जाता है उस पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है यार। तो फिर इसमें कैसे हो रहा है, अगर मैं इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो इसमें कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 1 जन 2015 में रिजल्ट नहीं जोड़ रहा है, ये रिजल्ट जोड़ रहा है 42005 में 20 जोड़ के रिजल्ट ला रहा है 42025। लेकिन जब डेट का फॉर्मेट चलाता है तो उसको मंथ ईयर वाइज उसको कन्वर्ट करते चला जाता है। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम डेट पे या टाइम पे कैलकुलेशन किया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे नंबर क्यों हो गया? तो हमने क्या बोला, पेस्ट एज वैल्यू। तो पेस्ट एज वैल्यू को ये बोला गया है कि आप रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और डेट भी एक तरह से फॉर्मेट ही है, इसलिए इन्होंने रिमूव ऑल फॉर्मेट कर दिया, मतलब डेट का फॉर्मेट रिमूव हो गया। अब जैसे डेट की फॉर्मेट रिमूव होगा तो एक्चुअल में जो कीपिंग है इसके पास तो नंबर ही है, इसलिए नंबर शो कर रहा है। अब क्वेश्चन उठता है इसको सॉल्व कैसे करें, तो इस पे आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दोगे तो आपको सही हो जाएगा, डेट आपका जैसा डेट का फॉर्मेट चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपको चाहिए कि नहीं यार ऐसे झमेला बार बार मुझे डबल डबल काम करना पड़ता है, तो उस केस में मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट स्पेशल, इसमें आपका होता है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। क्या है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट किया और एंटर मार ओके कर दिया। तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट क्या होता है कि बाकी सारी फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करेगा। कॉपी पेस्ट किसको किसको नहीं करेगा, नंबर फॉर्मेटिंग को छोड़ के सबको हटा देगा, सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग मतलब कि जो नंबर में आता है यहाँ पे डेट टाइम वगैरह जो आते हैं यहाँ पे, सॉरी नंबर डेट टाइम करेंसी जो, ये सारे फॉर्मेट को रखेगा, बाकी फॉर्मेट अलाइनमेंट फॉन्ट बॉर्डर शोल्डर को नहीं रखेगा। तो जब भी आपको डेट एंड टाइम पे डेटा में हो अब पेस्ट करना हो सेम फॉर्मेट रखना हो तो पेस्ट जो वैल्यू या पेस्ट जो फॉर्मूले की जगह पे आप क्या यूज करें, आप यूज करें वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला एज नंबर फॉर्मेट। आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये छोटी मोटी चीजें थी, दूसरी हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की। जैसे कि यहां 20 लिखा हुआ है, यहां 30 लिखा हुआ है। अगर मैं 30 को कॉपी करके 20 में पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, 20 रिप्लेस बाई 30। लेकिन अगर मैं पेस्ट स्पेशल करूं और पेस्ट स्पेशल में मेरे पास आता है
यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में वो आता है ऑपरेशन, इसे मैं ऐड सेलेक्ट कर दूँ। ऐड सेलेक्ट करके जैसे मैं ओके करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये 30 20 से रिप्लेस नहीं होगा, सॉरी 20 30 से रिप्लेस नहीं होगा, 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्लस और ये दोनों का सम हो गया, रिजल्ट 50 आएगा। अब इसका यूज क्या करेंगे हम ऑफिस लाइफ में, चलिए इसका कई सारे यूजेज है लेकिन मैं आपको एक यूज बताता हूँ। परसेंटेज आप जब भी लिखते हो, जैसे आपने 50% का सिंबल लिख के एंटर मारा तब आपको 50% दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 50 यहाँ पे 50 लिख के उसके बाद इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल मारा तो क्या होगा कि ये हो जाएगा 500%, 5000%, क्योंकि अगर आपने 1 लिख दिया तो 100% समझता है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, 0.05 अगर 0.05 जो लिखते हो तब जाके वो 50% दिखेगा, क्योंकि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं वो आपको मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे इसको हटाते हैं नंबर को मिल करते हैं डिवाइड बाय 100 शो कर देता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि किसी आपके कलीग या किसी फ्रेंड ने आपके पास डेटा भेजा, उसने क्या किया यहाँ पे इसने सैम्बल दे दिया परसेंटेज का, लेकिन जो वैल्यू है उस वैल्यू को इसने जो है रखा है वो रखा है नंबर में। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर मैं इसको एक 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 कॉपी पेस्ट करूं तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। क्या बोल रहे, अगर मैं इस पे परसेंटेज लगा होते, यहां पे परसेंटेज लगा होते लंबा चल जाएगा। अब एक एक करके परसेंटेज लगाना मुश्किल हो जाएगा, एक एक करके मैं जाके परसेंटेज लगाऊं। इस केस में क्या करूंगा, मैं 100 कहीं पे लिखूंगा और फिर इस 100 को कॉपी करूंगा और बाकी पूरे जगह पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो क्या हुआ, 100 से डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। क्या हुआ सिम जी, नहीं ज्वाइन करना आपको, नेट प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है सर देख लीजिए। ठीक है, वापस इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का सिंबल हटा दो और फिर इस पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वापस बन जाएगा आपका नंबर। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो है आप एक साथ कर सकते हो। नेहा जी, राज जी, विपुल जी, को डाउट मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे टारगेट में मान लीजिए कि टारगेट है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, जहाँ पे फॉर्मूला यूज ना कर पाए वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हम। हाँ जैसे कि ये बताता हूँ, वहाँ एक और सिचुएशन बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 5 कॉलन है और 5 कॉलन में डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले लगे हुए हैं, ठीक है। ये तो मैं एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला लगा हुआ है। अभी क्या हुआ कि सबको मुझे इसमें 100 से डिवाइड करना है, तो मैं एक को डिवाइड करके, एक को यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करके ड्रैग नहीं कर सकता, क्योंकि एक सेल में एक पे एक फार्मूला लगा हुआ है, क्योंकि मैं सब पे करूँ सारा फार्मूला रिप्लेस हो जाएगा। समझ रहे बात को आप, कि यहाँ पे रैन बिटवीन है, यहाँ पे कुछ और वी लुकअप है, यहाँ पे सम बीफ है, यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे कुछ टैक्स निकाला हुआ है, लेकिन सबको पूरे इकट्ठे को मुझे जो है 50 से डिवाइड करना है।
या 100 से डिवाइड करना है या कुछ और काम करना है, कुछ और मल्टीप्लिकेशन और कुछ और चीज़ करनी है, तो मुझे मैनुअली एक एक फॉर्मूले पर जाके करना पड़ेगा, तभी होगा, वरना ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूले को रिप्लेस नहीं करना है मुझे। तो उस केस में मैं कहीं पे अपना रखूंगा नंबर को कि सेल पे, इसको कॉपी करूंगा और पूरे एरिए को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे आपको डिवाइड कर देता हूं या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि इसमें क्या क्या होगा कि ये फॉर्मूले को रिप्लेस नहीं करेगा, फॉर्मूले के अंदर जाके डिवाइड कर देगा। देखिए, देख रहे हैं आप, फॉर्मूले की ब्रैकेट में लिया फिर डिवाइड बाई 50 कर दिया। विपुल जी समझ में आया? तो ऐसे आप जो एग्जांपल्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक सेल्स का यहाँ पे फिगर आया हुआ है, ऐसे बहुत सारा डेटा है लेकिन मैं छोटा डेटा रखता हूँ। मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ रैंडम नंबर लेने के लिए, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। मैं 10 से 90 के बीच में डाल दिया, जिसके बीच में हमेशा रैंडम नंबर आ जाएगा। अब वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ ताकि रिमूव हो जाए, नहीं तो ये बार बार चेंज होते रहता है। अभी क्या हुआ कि ये डेटा को मैंने अपने क्यूसी टीम को बोला कि इसको क्रॉस चेक करो, तो उसने क्या किया कि इसके जो अपडेटेड फिगर है वो डाल दिया, जो जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी उसके सामने जो है नया वैल्यू डाल दिया, इसने पहले वो चेंज नहीं किया उसे, इसको यहाँ पे 65 कर देना चाहिए था कि 65 नहीं किया, सामने से लिख दिया। तो उसने एक काम कर दिया, मुझे क्या है कि मेहनत करनी पड़ रही है ये कि मुझे अपडेट करना है। अगर मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो ब्लैंक रिप्लेस हो जाएगी, मुझे उतना ही एरिया कॉपी करना जहाँ जहाँ वैल्यू लिखा हुआ है, तो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा या फिल्टर लगा के इस फॉर्मूला लगा के करना पड़ सकता है। लेकिन सारे प्रोसीजर लेंदी है। सबसे सिंपल प्रोसीजर क्या है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमारे पास आता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक क्या करता है? स्किप ब्लैंक वो करता है कि जो ब्लैंक एरिया है ना उसको कॉपी पेस्ट से बाहर कर देता है, तो उसी को पेस्ट करेगा जिसमें नंबर फिल है। नेहा जी समझ में आया? अब बात करते हैं ट्रांसपोज की। जैसे कि हमने डेटा रखा हुआ है, पूछिए। पूछिए सर, सुन रहा हूँ। तो रियल टाइम स्टडी ही तो बता रहा हूँ मैं आपको। आपके पास मान लीजिए ना कि एक आपके पास एक फिगर आउट है, आपने जैसे कि मैं इसका यूज करता था यहाँ पे, एक मैं फ्रंट में काम करता था, तो वहाँ पे क्या था कि मेरे पास जो है ना मुझे अपडेट फेयर आते थे एक ओरिजिन टू एक डेस्टिनेशन के। तो आप जानते हैं कि एयरलाइंस के फ्लाम जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं टिकट्स के प्राइजेज, तो क्या होता है, लेकिन सारे प्राइजेज चेंज नहीं होते, कुछ प्राइजेज चेंज होते थे। तो मैं जब सॉफ्टवेयर रन करता था तो क्या करता था, चेक करता था ओरिजिन डेस्टिनेशन, जो फ्लाइट में डिफरेंस होता था वो उसका फिगर आउट यहाँ डाल देता था, ठीक है ना, क्योंकि सर्चिंग पे जो है ना अपने एयरलाइंस को हमेशा टॉप पे लाना होता था, समझे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक रुपए का फर्क है आपके पास, मान लीजिए कि आपका जो है जेट एयरवेज आपका है और इंडियन एयरलाइंस किसी और का है, तो इंडियन एयरलाइंस अगर मान लो कि आप सपोर्ट इंडियन एयरलाइंस को आप सेल करना चाहते हो, तो इंडियन एयरलाइंस का फेयर कम होगा तब तो सबसे ऊपर आएगा लिस्ट में, और ज़्यादा होगा नीचे चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे कि फेयर को कम कर देते थे, मतलब कि अब देखते थे बाकी का फेयर अगर 400 इसको मैं 500 कर देता था, भाई बाकी का फेयर अगर 300 है तो मैं इसको 299 कर देता था, ठीक है ना। तो ऐसा करने, ऐसा नहीं कि फेयर 299 ही होता था,
वो जैसे वो इस पे क्लिक करता था फेयर के लिए, तो वापस वो चेंज हो जाता था फेयर, क्योंकि फेयर डायनेमिक होते, हर सेकंड चेंज हो सकते थे। तो हम लोग टॉप पे आने के लिए ऐसा करते रहते थे। तो उस केस में दिक्कत होती थी कि ऐसे से फेयर्स जो अपडेटेड है उसको डालने के लिए, तो उस केस में हम क्या करते थे, इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देते थे, इस पेस्ट एज ए स्किप ब्लैंक कर देते थे। ठीक है, आया समझ में? अब बात करते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का यूज जो है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करने के लिए यूज करते हैं। अपने डैशबोर्ड में दिखाने के लिए या फिर चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, ठीक है। लेकिन इसका एक और एक बात और होता है, हमारे पास आता है स्किप, एक आता है आपका पेस्ट एज ए लिंक। मान लीजिए ये डेटा आपका है, इस डेटा को सेम कहीं और लिंक करना चाहते हैं, जैसा यहाँ दिख रहा है वहाँ भी दिखे, जैसे यहाँ चेंज हुए वहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, क्योंकि तो कॉपी पेस्ट कर दोगे तो लिंक नहीं रहेगा। यहाँ अगर चेंज करता हूँ तो वहाँ भी मुझे कॉपी पेस्ट करेंगे तभी चेंज होगा, ऐसे चेंज नहीं होगा। लेकिन इक्वल के साथ सिलेक्ट क्लिक कर दीजिए और एंटर मार दीजिए, अब ये यहाँ मंथ, ये दोनों इसका क्लोन बन गया। यहाँ पे हमें यहाँ पे मंथ वन लिख दूँ तो एंटर मारते मंथ वन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इक्वल लगा के क्या होता है कि ड्रैग करने पड़ते हैं आगे पीछे, तो दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन आप इस काम को इजीली कर सकते हो। सिलेक्ट कर लीजिए पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आता है पेस्ट एज ए लिंक। और ये नॉट ए सेम सीट पे, अनदर सीट, अनदर फाइल, यहाँ तक कि एक्सेस, सॉरी एक्सेस नहीं, वर्ड में जाया कर सकते हो, आउटलुक में जाया कर सकते हो, या आप कर सकते हो पावर पॉइंट में जाया कर सकते हो, पेस्ट एज ए लिंक। ठीक है, चेंज हो जाएगा आपका। नहीं, हाँ दोनों ऐसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया ना, अगर एक ही से दो डलवा रखे दोनों चेंज होगा। एक कई सारे, एक का कई सारे क्लोन बन सकते हैं ना। हाँ, कलर नहीं होगा, सिर्फ डेटा चेंज होगा। हाँ, कलर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के साथ करना चाहते हैं, उसका दूसरा तरीका है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ना कि हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बड़ी डेटा को छोटे जगह में दिखाना होता है, तो उस केस में हम लोग पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं इसको यहीं पे। अब तो राइट क्लिक, पेस्ट इस पे नहीं मिलता, यहाँ मिलता है आपको पेस्ट एज ए पिक्चर। इससे क्या होता है कि आपका एक पिक्चर बन गया। अब इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा या फिर जैसा करना चाहते हो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि तो अगर मैं इसको छोटा करूँगा कॉलम को तो पूरा कॉलम छोटा होगा ना। अब यहाँ कोई बड़ा डेटा लिखा हो तो भी छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने हिसाब से जैसे छोटा करना छोटा कर सकते हो। हाँ, उसके अगर आप चाहते हो चेंज हो तो उसका भी जुगाड़ है, तब आप पेस्ट एज ए पिक्चर ना करो, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करो। आपके ऑप्शन में यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक है। हाँ, आ गया ना। यहाँ यहाँ पे होम मेनू में आप जाओगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपने पिक्चर का सिंबल था, ये पिक्चर लिंक का सिंबल है, ठीक है ना। इस पे क्लिक कर दोगे तो पिक्चर ये लिंक हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे मैं चेंज करूँगा कुछ, वैसे एंटर मारते दोनों जगह पे चेंज हो जाएगा। और यही नहीं, अगर आप कोई फॉर्मेटिंग भी चेंज करते हो तो पिक्चर लिंक फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, जहाँ पर आप चाहते हो कि लिंक हो और फॉर्मेटिंग भी चेंज करो वहाँ पे पिक्चर लिंक यूज कर ले। और इसका एक और जी, हाँ हाँ ये फॉर्मूला से लिंक है ना, देखिए ना, कल के डेटा मान लो आपका डेटा चेंज होता है, जैसे जुलाई था और जुलाई से अगस्त हो गया ना। अब इसको वापस कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जब इस पे सेलेक्ट कर दो तो इसका लिंक होता है कि C5 से D12 तक है, आपका डेटा 13 तक हो गया है, तो 12 से 13 का एंटर मार दीजिए, ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा।
आ गया। ये किसी भी लोकेशन में डाउन हाँ, मतलब किसी भी दूसरे लोकेशन, जो हाँ रेफर नहीं हुए वो किसी भी दूसरे मतलब उसमें हो सकता है, चंडीगढ़ में या फिर दिल्ली में या फिर वी कैन अटैच इन मेल एज वेल, जी तो मेल में भी अटैच कर सकते हैं हाँ, मेल में लिंक अटैच। को। हाँ, होता क्या था सर कि हम लोग जब काम करते थे तो मेरे पास एक जैसे कि अभी मंथ एंड चल रहा था, तो 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक क्या होता था, सेल्स का अपडेट हमें दिन में एक बार नहीं, दिन में कई बार भेजने होते थे, जिससे हमारे जो सेल्स के जो कोऑर्डिनेटर थे पता चले किसका टारगेट हुआ है किसका टारगेट नहीं हुआ है, कौन सा डीलर माल कितना खरीदा है। जैसे मान लीजिए ना कि इसके 20 100 डीलर है, अब पता चला कि मतलब कि 90 डीलर ने माल अच्छी तरीके से खरीद रखा है, पूरा खरीदा हुआ है, 10 डीलर ने माल नहीं खरीदा है, तो हम बोलेंगे कि हम सेल्स टीम को बोलेंगे 10 डीलर के पास जाओ जिसने अभी माल खरीदा नहीं। अब एक जो होता है क्या है कि जो मेन डीलर होते हैं उसी पर फोकस होता है, एक कुछ छोटे मोटे डीलर है वो भी हमारा टारगेट पूरा कर देते हैं, लेकिन उसके पास जाए तभी तो ये चीज़ें कब पता चलती है, जब हम उनको सेल्स अपडेट देते हैं डीलर वाइज। तो होता क्या था कि मुझे हर घंटे मेल करना होता था, तो हम मैंने मैंने क्या कर रखा था कि अपने डेटा को सॉफ्टवेयर से लिंक कर रखा था, जैसे रिफ्रेश करता था सॉफ्टवेयर मेरा डेटा को अपडेट कर देता था 1 घंटा में, और जैसे मेरा डेटा अपडेट होता था मैंने एक मेल की टैम्पलेट बना रखी थी जिसमें मैंने पेज से पिक्चर लिंक कर रखा था, तो उस पर राइट डबल क्लिक करता था सेव एज, उस पर डबल क्लिक करता था रिफ्रेश मारता था और फिर उसको आगे भेज देता था, तो मुझे बार बार मेल कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आउटलुक के थ्रू होता था। बता रहा हूँ सिंपल है, देखिए क्या होता था ये बता दो आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे एक ही मेल को बार बार मुझे मेल करना है, एक ही फाइल मतलब समरी समरी को मेल करना होता था, तो मैंने आउटलुक खोला, हम लोगों ने आउटलुक में मेल को न्यू कंपोज किया और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट के नीचे गया, यहाँ पे पेस्ट से पिक्चर लिंक आ रहा है, आ रहा है ना, और ये यहाँ पे नहीं पिक्चर पेस्ट से पिक्चर लिंक नहीं है, पेस्ट स्पेशल पे है, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे पिक्चर लिंक आता है, पिक्चर लिंक और माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट कोडेड कर लीजिए एंड पेस्ट कर दीजिए, ये आपका लिंक हो गया। इसमें अपनी मेल आईडी वगैरह डाल दीजिए, इसमें अपना सब्जेक्ट वगैरह डाल दीजिए और इसको भेजिए मत, इसको कर दीजिए सेव एज टेम्पलेट, इसको एक लोकेशन पे। डेस्कटॉप पे टीएमपी के नाम से, और यहां पे फॉर्मेट की जगह पे मैंने बोल दिया आउटलुक टेम्पलेट, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब जैसे अब मुझे किसी को मेल करना है तो इसको ओपन करूंगा, ये पूछेगा यस कीजिए क्योंकि तो फाइल सेव लिंक है ना, आ गया। अगर इसमें डेटा चेंज होगा, अगर डेटा चेंज नहीं होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 250 कर दिया अगस्त का, एंटर मारते डेटा वहाँ पे चेंज हो जाता है, अगर चेंज नहीं हुआ जैसे हो गया ना, अगर नहीं हुआ राइट क्लिक करके रिफ्रेश मार दीजिए या अपडेट लिंक, समझे। आया समझ में। तो इससे क्या होता है कि बार बार मुझे मेल आईडी पूरा सब्जेक्ट कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं वो मेल करना, वो पूरा कॉपी पेस्ट करना फॉर्मेटेड करना मैटर लिखना नहीं पड़ता था, टेम्पलेट बना हुआ है डाल के सेंड मार देते हैं। तो ऐसे मेल में क्या होता है कि मैं टाइम कंज्यूम, जो मेल करने में मुझे 5 मिनट या 10 मिनट लगते थे उसमें 5 या 10 सेकेंड लगते हैं, जिसमें सबसे मेन रोल किसका है, पेस्ट एज ए लिंक का है, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल मैंने आज आपको समझा दिया, पेस्ट स्पेशल में कुछ चीजें बची है जो कि मैं आपको कल समझाऊंगा, कल का टॉपिक हमारा है एडवांस फॉर्मेट, कल हमारा दूसरा क्लास है होम मेनू का,
जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे फॉर्मेटिंग, नहीं एडवांस फॉर्मेटिंग, फॉर्मूले नहीं, फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम अपने ऑफिस का जब भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो फॉर्मूले लगाने से टाइम हमारा फॉर्मेटिंग में जाता है, क्योंकि वो मैनुअल करने पड़ते हैं, उसका कोई ट्रिक्स नहीं होता है। तो उसमें कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ मेरे हिसाब से आपको जानने चाहिए, और हम कल आपके साथ पता डिस्कस करेंगे। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर देता हूँ, और पुरानी रिकॉर्डिंग का पूरी फाइल मैं आपको अभी आधे घंटे मेल कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, वीडियो ही मिलेगी, वो आपके पास एक फाइल आएगा, एक फाइल आएगा वीडियो कॉपी नाम का, उस एक्सेल फाइल में मिलेंगे सारे लिंक आपको। हाँ, डेली बेसिस पे अपडेट होते रहेंगे आपको। बोलिए। वो मैंने सबकी एक वीडियो प्ले करने की प्लेटफॉर्म मैंने एक्सेल में बना रखी है, वहीं से सारे